नमस्कार दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट एंड टेक गुरु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सिग्नल इन इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में दो तरह के सिग्नल्स यूज होते हैं, पहला एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। हम एनालॉग सिग्नल को समझते हैं। एनालॉग सिग्नल भी दो तरह के होते हैं, पहला एनालॉग इनपुट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AI और एनालॉग आउटपुट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AO। अब हम एनालॉग इनपुट को समझते हैं। एनालॉग इनपुट में फील्ड डिवाइस 4 से 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल देता है। जैसे कि पिक्चर में ट्रांसमीटर सिग्नल को 4 से 20 मिली एम्पेयर में ट्रांसमिट करके DCS को कमांड दे रहा है। DCS को जो सिग्नल मिल रहा है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एनालॉग इनपुट के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है ट्रांसमीटर लाइक LT, PT, FT। सेकेंड इज BFT स्पीड। थर्ड वाइब्रेशन प्रोब। फोर्थ गैस डिटेक्टर जो कि गैस हाइड्रोकार्बन को मेजर करता है। यह सब एनालॉग इनपुट के एग्जांपल्स हैं। फ्रेंड्स, अब हम एनालॉग आउटपुट को समझते हैं। एनालॉग आउटपुट में फील्ड डिवाइस को 4 से 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल मिलता है। जैसे कि पिक्चर में कंट्रोल वॉल्व जो 0 से 100% पर काम करता है उसे DCS से 4 से 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल मिल रहा है। कंट्रोल वॉल्व को जो सिग्नल मिल रहा है उसे एनालॉग आउटपुट सिग्नल कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एनालॉग आउटपुट के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है कंट्रोल वॉल्व पोजिशनर। सेकंड है स्पीड दैट वी गिव टू VFT। मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है जिसकी स्पीड 0 से 15,000 RPM है। जब हम VFT को 4 से 20 मेगा एम्पेयर का सिग्नल देंगे तो वो 4 मिली एम्पेयर पे 0 RPM और 20 मिली एम्पेयर पर 15,000 RPM पर मोटर को घुमाएगा। अब हम डिजिटल सिग्नल के बारे में जानते हैं। डिजिटल सिग्नल भी दो तरह के होते हैं, डिजिटल इनपुट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DI और डिजिटल आउटपुट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DO। फ्रेंड्स, हम डिजिटल आउटपुट के बारे में जानते हैं। डिजिटल आउटपुट 0 और 1 पर काम करता है। 0 पर ये ऑफ का सिग्नल देता है और 1 पर ये ऑन का सिग्नल देता है। इसे पिक्चर से समझते हैं। पिक्चर में DCS SOV को 0 और 1 का कमांड दे रहा है जो कि ऑन ऑफ होने का है। इसमें ऑन ऑफ वॉल्व लगा होता है जो सिग्नल के अकॉर्डिंग काम करता है। SOV को जो सिग्नल मिल रहा है इसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अब हम डिजिटल आउटपुट के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है पंप का स्टार्ट और स्टॉप होना। दूसरा है SOV। तीसरा है MCC जिसकी फुल फॉर्म है मोटर कंट्रोल सर्किट। एंड चौथा है सिस्टम कैबिनेट ऑफ पंप। अब हम डिजिटल इनपुट को समझते हैं। डिजिटल इनपुट भी 0 और 1 पर काम करता है। 0 पर ये ऑफ का सिग्नल देता है और 1 पर ऑन का सिग्नल देता है। इसे हम पिक्चर से समझते हैं। पिक्चर में लिमिट स्विच जो कि वॉल्व का फीडबैक है DCS को 0 और 1 का कमांड देता है। कमांड मिलने पर DCS ऑन या ऑफ होता है। DCS को जो सिग्नल मिल रहा है उसे डिजिटल इनपुट सिग्नल कहते हैं। फ्रेंड्स, अब डिजिटल इनपुट के एग्जांपल्स देख लेते हैं।
किसी भी तरह का स्विच, चाहे वो प्रेशर स्विच हो, टेम्परेचर स्विच हो या फ्लो स्विच हो, डिजिटल इनपुट का एग्जाम्पल है। सेकेंड, कंप्रेसर रन फीडबैक या फॉल्ट फीडबैक जो कि MCC से आता है, यह भी डिजिटल इनपुट का एग्जाम्पल है। तीसरा, हूटर्स, इसमें सिग्नल पहले DCS पर आता है, जीरो सिग्नल पर यह नहीं बचता है और 1 पर यह बज रहा होता है।